नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे, टेस्ट सीरीज लगा रहे थे हम लोग। ये सभी आपके स्टेट पीसीएस हो, फिर चाहे आपका सिविल सर्विस हो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस को। इसमें आप लोग अगर इसे देख रहे हैं तो आप वन डे एग्जाम को भी कवर कर सकते हैं, जितने भी आपके होते हैं। एक सजेशन आप लोगों से मांगा हुआ था और मांग रहा हूँ कि मेरा, मैं सुबह 5 से 6 बजे से डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये समय टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप लोग कमेंट में नीचे अपना टाइम बताएं, सभी मिलकर के एक फिक्स टाइम कर दिया जाए। मैं सोचता हूँ कि सुबह, देखिए वन डे एग्जाम को भी ध्यान में रखना है हम सभी को, क्योंकि कई बच्चे हम लोगों से जुड़े हुए हैं वन डे एग्जाम के लिए भी। तो मैं सोचता हूँ सुबह का 5 या फिर 6 बजे आपका सिविल सर्विस वाली मॉक टेस्ट रख दूँ, और शाम के जो 5 का 6 का टाइम है, इस टाइम वन डे एग्जाम को जो भी क्वेश्चंस हैं उसे रख दूँ। या फिर आप लोगों को अगर सहूलियत हो तो वन डे एग्जाम वाली तो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि शाम को आपकी रखने ही, तो आपकी शाम की भी क्लास रख सकते हो, ठीक है। तो आप नीचे जो भी आपका सजेशन हो आप सभी मिलकर बता सकते हैं, ठीक है। और इसे बड़े विस्तार से सुनिए आप लोग, एक सभी क्वेश्चंस आपके सिविल सर्विस हो, फिर चाहे स्टेट पीसीएस कोई भी हो, एमपीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और याद रखिए, जितने भी आपके टेस्ट होंगे सभी मॉक टेस्ट फॉर आईएएस पीसीएस प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में डले हुए हैं। एक टेस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं, ये आपका दूसरा टेस्ट है। चलते हैं तो हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है, बिल्कुल गलत है माना जाता है। उद्देशिका विधायिका की मनमानी शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, गलत है। उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आप जानते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पारित किया, किसने प्रस्तुत किया था, पंडित नेहरू साहब ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने। तो ये कथन इसमें सही है। यहाँ आप 2 पॉइंट, मतलब 2 ट्रैक कह लीजिए या फिर 2 सजेशन कह लीजिए, जो भी आप समझ सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस कथन को, किसे, इस कथन को आपको बड़े, मतलब दिमाग से पढ़ना है, 1 से 2 बार पढ़ना है, क्योंकि आते हुए भी क्वेश्चंस कई बार हम लोग गलत कर बैठते हैं इसी कथन के कारण। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, तो कौन कौन है, 1 सही नहीं है, 2 सही है, 1 नहीं है सही और 2 सही नहीं है। अगर आपसे पूछता कि सही है तो कौन था, केवल 3 कथन सही था, केवल 3 कथन सही था, समझ में आया। तो इस पॉइंट को आप लोग हमेशा पढ़ लिया करिएगा अच्छे से। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, 1 कथन और 2 कथन सही नहीं है। तो इसमें आखिर सही क्या होगा उसे भी आप लोग सुन लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संकलित उद्देश्यों पर आधारित है, और इसका प्रारूप आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, तथा जो निर्वाचित निर्वाचक सभा थी उसके द्वारा अंगीकृत किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसे आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इसे आप लोग 1976 में की गई थी। इसमें आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, इन 3 शब्दों को बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इससे भी आपका कई बार क्वेश्चन बन चुका है, इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लेता है। कौन कौन से 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। ये शब्द कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता जोड़े गए थे। एल आई सी मामले में इन शब्दों को भारत के संविधान का महत्वपूर्ण भाग भी माना गया। संविधान की प्रस्तावना है, इसमें 4 मूल, आप कह सकते हैं कि 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। संविधान की अधिकारिता के स्रोत, प्रस्तावना में आप देखते हैं कि संविधान में क्या कहा गया कि अधिकारिता भारत के लोहों में निहित है। संविधान की जो अधिकारिता है, हमारे यहाँ के भारत के जो लोग हैं इनमें समाहित है। भारतीय राज्यों की प्रकृति, या भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य
राज्य होने की उद्घोषणा करता है। संविधान के उद्देश्य की बात करें तो यह उद्देश्य क्या है इसका, यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे को इसके उद्देश्यों के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ समय बाद देखा होगा एक मामले में दिए गए विचार के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना किसका भाग है, संविधान का भाग है। संविधान की मूल संरचना में बिना कोई बदलाव किए इसके अन्य भागों में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसकी मूल संरचना में बदलाव नहीं किया जाएगा, बाकी में किया जा सकता है, इसे ध्यान रखते हुए। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में दो बातें हमेशा याद ध्यान देने योग्य हैं, कौन कौन सी। प्रस्तावना ना तो विधानमंडल की शक्ति का स्रोत है, ना ही विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध है। इसके प्रावधान विधि द्वारा स्थापित न्यायालय में विवर्तनीय भी है। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसकी जो भी पीडीएफ होगी वो हम लोग टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है। जो भारत के संविधान की उद्देशिका है ये अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है। सामाजिक, सही बात है। मनोवैज्ञानिक, बिल्कुल नहीं। आर्थिक, राजनीतिक। जब भी आप लोग उद्देशिका पढ़ेंगे, वैसे भी आप लोगों को NCERT कवर करवाई हुई है तो मुझे तो लगता है कि आप लोगों को रट गई होगी, क्योंकि इतनी बार हर NCERT के मेन पेज है उस पर जहां हम लोग विषय वस्तु पर बात करते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, उसी में आप लोगों को बताता रहता हूं। तो उसमें सामाजिक भी आपको देखने को मिलेगा, आर्थिक भी और राजनीतिक भी। ठीक, तो चार। प्रस्तावना के अनुसार संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इस दिन संविधान दिवस भी मनाते हैं आप लोग। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। तो याद रखिए, कुछ प्रावधानों के साथ संविधान लागू तो हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूरी तरह से अगर बात की जाए तो ये हुआ है संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। इन दो डेटों को भी आप लोग बड़े अच्छे से याद रखिए। आप जब प्रस्तावना में भी देखेंगे तो न्याय शब्द मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से तीन अलग अलग रूपों में, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीति को समाविष्ट करता है। फिर से सुन लीजिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, और जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है इसका आदर्श रूसी क्रांति रही है। कब हुई थी रूसी क्रांति, 1917 में। तो इसमें क्या क्या सही था, सी ऑप्शन सही था, 1, 3, 4। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 1955 के नागरिकता अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन माध्यमों का उल्लेख किया गया है। 1950 के नागरिकता अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन माध्यमों का उल्लेख किया गया है। वंश के आधार पर, प्राकृतिक रूप से, जन्म से, पंजीकरण द्वारा। आप जानते हैं चारों में किया गया है, तो इसमें क्या होगा, चारों सही होंगे। नागरिकता अधिनियम जो आपका 1955 है, संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में प्रावधान करता है। यानी कि नागरिकता ग्रहण करने और उसकी समाप्ति करने के बारे में बताता है। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 राष्ट्रमंडल नागरिकता का भी प्रावधान करता है, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है इसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों को निर्धारित किया गया है। कौन कौन से 5 तत्व, कौन कौन से, जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण, राज्य क्षेत्र में मिल जाने से प्राप्त नागरिकता। इन 5 को याद रखिए, कई बार कभी भी पूछ सकते हैं आपसे, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण, राज्य क्षेत्र, आपका मेंस में भी लिखने के लिए आ सकता है, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं नागरिकता पर कितना सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जन्म की बात क्या है, अगर जन्म से नागरिकता की बात करूं तो जिस व्यक्ति का जन्म 26 कब जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 कब 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ, जिस व्यक्ति का जन्म
26 जनवरी 1950 या उसके बाद पश्चात भारत में हुआ तो वो जन्म से ही भारत का नागरिक होगा। क्या होगा? वो जन्म से ही भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसमें भी दो अपवाद हैं। पितम, विदेश के राजनीतिक कर्मचारी के भारत में जन्म लेने वाले बच्चे। अब कोई आपका विदेशी नागरिक है और यहाँ कर्मचारी है या राजदूत है किसी देश का, तो उसका बच्चा अगर हमारे देश में जन्म लेता है तो उसे हमारे देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। और दूसरा, अगर बात करूं तो शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में जन्म लेने वाले इसके बच्चे, यानी कि हमारा कोई क्षेत्र दूसरे के क्षेत्र में, यानी कि हमारे शत्रु कोई हमारे अधीन भारत का क्षेत्र है उस पर अधिकार किए हैं, वहां जन्म लेने वाले किसी बच्चे को हमारे यहाँ का नहीं माना जाएगा। ठीक है। और दूसरा, आप देखते हैं कि वंशानुगत नागरिकता वंश के आधार पर, तो 26 नवंबर 1950 या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा वंशानुगत आधार पर भारत का नागरिक होगा यदि उस समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिकों के बच्चे उन लोगों के बच्चे जो भारत का नागरिक ना होते हुए भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा कर रहे हैं, वे इस उपबंध का लाभ भी उठा सकते हैं। पंजीकरण द्वारा वंशानुगत भारतीय नागरिक भी बन सकते हैं, उन्हें भी छूट है। फिर आप सुनते हैं पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें देखा जाएगा कि संविधान में उल्लिखित उपबंधों के आधार पर जो व्यक्ति भारत का नागरिक है और पंजीकरण द्वारा वह भारत का नागरिक बनने की योग्य है, उन व्यक्तियों की श्रेणी, जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति हो गए, जो अभिजात भारत से बाहर किसी देश में या स्थान में रहते हैं वो हो गए, भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो साधारणतः भारत में रहते हैं, विशेष रूप से पंजीकृत के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से कम 6 महीने पूर्व से भारत में रह रहे हों, और वे स्त्रियां जिन्होंने भारतीय नागरिकों के साथ विवाह किया हुआ है, और भारतीय नागरिकों के बच्चे, वे भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं पंजीकरण द्वारा। ठीक है। देशीकरण की अगर बात करें नागरिकता, तो कुछ दशाओं में उपयुक्त किसी भी तरीके से शामिल नहीं किए गए विदेशी नागरिक भारत सरकार के देशीकरण द्वारा नागरिकता के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, राज्य क्षेत्र की बात करें, तो इसमें मिल जाने से प्राप्त नागरिकता, अगर कोई क्षेत्र है और राज्य क्षेत्र का भारत का राज्य क्षेत्र बन जाता है, तो भारत सरकार यह विनिश्चित करेगी कि राज्य क्षेत्र में जो व्यक्ति रह रहे उन्हें भारत का नागरिक मान ले। आप एक समय मान लीजिए, ठीक है, ऐसा हो जाए अच्छी बात है, जो भी, एक समय आप सोचिए पाकिस्तान को हम अपने आप में मिला लेते हैं, हम उसे अपने आप अपने भारत में मिला लेते हैं, तो वहाँ जो भारत जो लोग रह रहे होंगे वो हमारे देश के नागरिक कहलाने लगेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये, तो इसमें आपके चारों सही थे। क्या थे? चारों थे, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही था, डी ऑप्शन आपका सही था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, इसे बड़े विस्तार से बताया जा रहा है, आपको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि इससे आप एक क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं, कई तरह के आप क्वेश्चंस आए वो भी सॉल्व करने की स्थिति में आप लोग पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है कि आप अगर ने अगर नागरिकता वाले क्वेश्चंस को आपने सुन लिया है, तो मुझे लगता है कि इससे आप किसी भी तरह का क्वेश्चंस आता है आप सॉल्व करने की स्थिति में आराम से पहुंच चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के नागरिक के नागरिकों के का विशिष्ट अधिकार है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार है? भारत में निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग, यानी कि वोट देने का प्रयोग, सही बात है। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये गलत है। इसमें क्या होगा? नीचे दिए कूट का प्रयोग सही कर चुनना है, तो इसमें आपके 2, 1 और 2 कथन सही है, 1 और 2 कथन सही है इसमें। संविधान का जो अनुच्छेद 326 है, कौन सा? 326 क्या कहता है? ये कहता है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक जिन्होंने स्वयं का मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया है, वे वोट देने के पात्र होंगे। उन्हें राष्ट्रीय, राज्य, जिले या फिर स्थानीय जो सरकारी निकाय चुनाव होते हैं उनमें वोट देने का अधिकार होगा। किसी भी व्यक्ति को तब तक वोट डालने से नहीं रोका जा सकता है या उसके प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि वो व्यक्ति अयोग्य ठहराने जाने के मानदंडों को पूरा ना करता हो। उसे वोट देने का तब तक अधिकार है जब तक कि उसे किसी तरह के अयोग्य ठहराने का मानदंड ना पूरा करता हो। प्रत्येक
मतदाता को एक चुनाव में केवल एक ही वोट देने की अनुमति है। आप सभी जानते हैं इससे तो। एक मतदाता केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र में वोट कर सकता है जहां वो खुद को पंजीकृत कराता है। ऐसा नहीं कि आप हैं कहीं MP के और आप UP में जाकर वोट दे रहे हो, नहीं ऐसा नहीं। आपका अगर पंजीकरण जहाँ है वहीं आप लोग वोट दे सकते हैं। आप भी जानते हैं कि अगर पंचायत आप जिस भी इलाके में रहते हैं नगर पालिका में, तो आप अपनी ही नगर पालिका में देते हैं ना, अपनी ही पंचायत में वोट देते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि दूसरी पंचायत में आप जाके वोट दे दें। ठीक है, संविधान का जो 58 अनुच्छेद है, कौन सा संविधान का जो 58 अनुच्छेद है, इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो, उसकी आयु 35 वर्ष ना हो, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य ना हो। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक भी होना चाहिए, उसकी आयु यानी कि 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 35 वर्ष के हो गए तो आप राष्ट्रपति बनने के काबिल हो चुके हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव योग्य हो, समझ रहे हैं, यानी कि उसकी योग्यता लोकसभा के चुनाव के लड़ने योग्य हो। ठीक है, अगर ये सभी तीनों शर्तें किसी में शामिल नहीं है तो वो राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर ये तीनों शर्तें योग्यताएं जरूरी होती हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। एक आपने सुना होगा संविधान के अनुच्छेद 21 और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण केवल नागरिकों के लिए ही नहीं है। जो 21 अनुच्छेद है ये केवल हमारे देश के जो नागरिक हैं इन्हीं के लिए नहीं है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आप सुनते रहते हैं, ये आपका कब जोड़ा गया, 21A, ये कब जोड़ा गया, ये आपका 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये क्या कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष यानी कि 6 साल से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को उस तरीके से मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसा कि राज्य निर्धारित करे। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। याद रखिए जो आर्टिकल 21 है उसके तहत आपको 21A भी जोड़ा गया उसी में, तो दोनों के लिए अधिकार ए है, नागरिकों के लिए और गैर नागरिकों के लिए। यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है, उच्चतर या पेशेवर शिक्षा को नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कि 6 से 14 साल की जो उम्र होती है ये आपकी प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ही आती है। आप ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग भी उसे फ्री में करवा दें, शिक्षा का अधिकार है, ऐसा नहीं है। वहाँ आप लोग देखते हैं कि वहाँ वही लोग जाते हैं जिनके पास पैसा रहता है। तो इसमें कौन कौन सा सही था, इसमें आपका एक कथन सही था और दूसरा कथन भी सही था। यानी कि कथन कहने का मतलब है कि भारत में निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग है, भारत के लोगों को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए भी भारतीय ही लोग चुने जाते हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है ये भारतीय नागरिक भी प्राप्त कर सकते हैं और जो बाहरी लोग हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जो कथन दिए गए नीचे इन पर हमें विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य क्षेत्र को अलग करके या फिर दो या दो से अधिक राज्यों या फिर राज्यों के हिस्सों को मिलाकर अथवा एक राज्य में किसी राज्य क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर सकती है। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जो संसद है ये विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या फिर दो अलग अलग राज्यों को एक करके या फिर किसी तरह के राज्यों के हिस्सों को अलग अलग करके दो राज्यों के हिस्सों को एक नया राज्य भी बना सकता है। यानी कि उसकी जो भी नया राज्य बना सकता है या सीमाओं में संशोधन भी कर सकता है। किसके पास ये शक्ति है, संसद के पास। ये सही बात है, बिल्कुल है। आपने देखा है अभी जम्मू कश्मीर का हाल ही में आप लोगों ने देखा है किस तरह से जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। 370 वहाँ से हटा दिया गया है। एक पॉइंट और याद रखिए वहाँ कि अब वो सभी प्रावधान वहाँ लागू होंगे जो अन्य राज्यों में लागू होते हैं, अब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन है इसमें, भारत संघ अभिव्यक्ति में केवल राज्य शामिल है। भारत संघ अभिव्यक्ति में केवल राज्य संघ है, ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि आपको देखना है कौन सा कथन सही है। दोनों कथन सही है, एक कथन भी सही है, दो कथन भी सही है। जो भारत का संविधान का भाग एक है, एक किससे संबंधित है, संघ और इससे क्षेत्र, इसके क्षेत्र के रूप में वर्णित है, और जो आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक है ये आपकी इन्हीं से संबंधित है।
भाग एक में भारत के संविधान से संबंधित कानून का एक संकलन है जिसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। संविधान के इस भाग में राज्यों की सीमाओं की स्थापना, नामकरण, विलय या सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित कानून शामिल हैं। जो अनुच्छेद 3 है आपका, नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन करने का भी उल्लेख करता है। किसी किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग कर सकते हैं, या फिर दो या दो से अधिक राज्य हैं तो उनके भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण भी कर सकते हैं। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा भी सकते हैं, किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकते हैं, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकती हैं। ये सभी आप कह सकते हैं कि संसद को शक्तियाँ मिली हुई हैं, वो कानून के द्वारा ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या था, दोनों सही थे। बस इतना याद रखना है कि इस प्रयोजन के लिए, इस कार्य के लिए कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट स्थापना का प्रभाव राज्यों में किसी क्षेत्र के सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां तब उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के दौर भीतर जो निर्देश में विनिष्ट किए जाएं, या किसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित कर सकते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि हमें राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। और एक बात और याद रखिए, जो भी जिस भी राज्य में आप लोग इस तरह का आप समझ रहे हैं संशोधन कर रहे हैं, तो उसके राज्य में जो भी विधायक है उसकी एक सहमति, यानी कि उसकी इच्छा जानने के लिए भेजा जा सकता है प्रस्ताव। लेकिन याद रखिए, उसकी अगर वो हाँ नाम है कुछ भी करता है, उसकी जो भी सिफारिश होगी उसे मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो एक सिफारिश के तौर पर आप देखते हैं ना धन विधेयक के मामले में कि राज्यसभा को क्या शक्ति है, कोई शक्ति नहीं मिली है। अगर राज्यसभा चाहे कि संशोधन इसमें हो जाए तो नहीं होता है ना, वही है। अनुच्छेद 1 में यह भी कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत में राज्यों को अलग होने की छूट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इंडिया से अलग नहीं हो सकते भारत से राज्य। अमेरिका में देखा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 स्टेट हैं, उन्हें अलग होने की भी शक्ति मिली हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, समझ में आया आपको, यहां पूछ लिया है कि सही नहीं है, पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिल्ली और पुडुचेरी दोनों के पास अपनी उच्च न्यायालय है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली के पास तो है लेकिन पुडुचेरी के पास नहीं है। दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के पास अपना विधायक, विधानसभा, विधानमंडल नहीं है। याद रखना है, यहाँ अभी जो जम्मू कश्मीर बनाया गया इसके पास भी विधानमंडल है। ठीक है, इनके कार्यकारी प्रमुखों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है आपका। तो आपको याद रखना है दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के पास अपनी विधानसभा है। ठीक है, यहाँ विधानसभा यानी कि मुख्यमंत्री बनता है। और लद्दाख आपने देखा है कि वहाँ विधानसभा का कोई प्रावधान नहीं रखा गया, जम्मू कश्मीर में केवल विधानसभा का प्रावधान रखा गया। तो इसमें आपके तीनों कथन गलत हैं। आखिर सही क्या होंगे, उन्हें भी आप लोग देख लीजिए। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिसे किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। वर्तमान में अगर बात करें, देखिए ये अगस्त 2020 में वर्तमान में बात कर रहा हूँ मैं, तो इस समय आपके 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, तो आप लोग इन्हें हमेशा याद रखिए। ठीक है, और प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। जो संघ मतलब यहाँ के जो राज्यपाल उपराज्यपाल होते हैं, इन्हें कौन करता है, नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है। और संघ शासित क्षेत्र का प्रशासक राष्ट्रपति की प्रतिनिधि होता है,
तथा राज्यपाल के समान राज्य का प्रमुख नहीं होता है। राष्ट्रपति एक प्रशासक के पदनाम को निर्दिष्ट कर सकता है, यह लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर मुख्य आयुक्त या फिर प्रशासक हो सकता है। राष्ट्रपति एक राज्य के गवर्नर को आसपास के केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में भी नियुक्त कर सकता है। उस शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल को मंत्रियों की परिषद के प्रति स्वतंत्र रूप से कार्य करना पड़ता है। सीधा सा कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति है, ये जो भी संघ शासित क्षेत्र हैं आपके, फिर चाहे आप दिल्ली को देख लीजिए, फिर चाहे आप देख लीजिए लद्दाख को देख लीजिए, पुडुचेरी को देख लीजिए, इन पर मतलब राष्ट्रपति एक शासक यानी कि प्रशासक यहाँ का कह सकते हैं राज्यपाल की तरह ही नियुक्त करता है। और पुडुचेरी को याद रखिए 1963 में, और दिल्ली को 1992 में विधानसभा मुख्यमंत्री का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात करें तो देखिए दिल्ली में भी उच्च न्यायालय है और आपका जम्मू कश्मीर में भी अपना उच्च न्यायालय है। अब आगे देखिए 2021 की जो जनगणना होगी उसके बाद क्लियर प्रावधान क्या है जम्मू कश्मीर में, क्या नहीं है, ये सब पता चलेगा। तो अभी इतना याद रखिए। ठीक है, तो इसमें क्या देखा था आपने, तीनों कथन आपके गलत हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसमें होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले तरफ। क्या है क्वेश्चन हमारा? राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह एक राष्ट्रीय आईसीसी आधारित पोर्टल है जो अवसरों को युवाओं की आकांक्षाओं के साथ जोड़ता है। बिल्कुल सही है। यह परिवारों तथा अन्य उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध ड्राइविंग, नलसाजी सॉरी वड़ीगिरी जैसे स्थानीय सेवा प्रदाताओं के संबंध में जानकारी भी उपलब्ध कराता है। ये भी आपका सही है, यानी कि कहने का मतलब है कि आपके दोनों कथन सही हैं। क्या है? दोनों कथन इसमें सही हैं। तो इसमें क्या होगा? और सही कथन पूछा था कि कौन से सही हैं, तो दोनों कथन सही हैं। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए, थोड़ा बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चंस गलत हुए हैं, आपके ही नहीं हर किसी के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में हमें बात करनी है। यह योजना यानी कि ये जो इसका गठन हुआ 1991-92 में खिलाड़ियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत किसी खिलाड़ी को 4 साल तक शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 7.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ये भी सही है। इसमें क्या पूछा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपकी दोनों कथन सही है, एक भी कथन सही है और दो भी कथन सही है। बिल्कुल ठीक है। इसे सामान्यतः आप लोग खेल पुरस्कार भी कह देते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका? सी, एक और दो दोनों सही है। अब यहां देख लीजिए आप लोग क्या होता है, यहां सही नहीं है तो आप क्या लगाते? डी ऑप्शन लगा देते। यही तो मतलब एक पॉइंट का मतलब हाँ नहीं में पूरा आपका मौसम विफल हो जाए, मतलब एक तरह से बिगड़ जाता है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसे बड़े अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय युवा कोर NYC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। राष्ट्रीय युवा कोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के युवा अधिकतम 2 वर्षों तक राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में सेवा करने के लिए स्वयं सेवक के रूप में संलग्न होते हैं। ऐसा नहीं है, इसे 2010-11 में शुरू किया गया और NYKS नेहरू युवा केंद्र संस्थान संगठन के द्वारा क्रियान्वित किए जा रही है। तो इसमें क्या पूछा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि आपको सही कथन बताना है। तो केवल इसमें दो कथन सही है। क्या है? दो कथन सही है। राष्ट्रीय युवा कोर जो है NYC युवाओं की क्षमता एवं सामर्थ्य को नियोजित करने और राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपनी ऊर्जा लगाने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा मामलों में और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक योजना लागू की गई थी। अगर इसके उद्देश्यों की हम बात करें तो ऐसी अनुशासित और समर्पित युवाओं का समूह तैयार करना जिनकी राष्ट्र निर्माण के कार्य में रुचि और भावना हो, समावेशी विकास की प्राप्ति के लिए कार्य करना, समुदाय में सूचना बुनियादी ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए संकेतक के रूप में कार्य करना, ग्रुप मॉड्यूलेटर्स और पीयर ग्रुप शिक्षकों के रूप में कार्य करना,
विशेष श्रम के सार्वजनिक नैतिक मूल्यों सत्यनिष्ठा प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए युवाओं हेतु आदर्श मॉडल के रूप में भी इसका काम करना। और इसमें याद रखिए 18 से 29 वर्ष, कितना 18 से 29 वर्ष की आयु के समूह के जो युवा हैं, इसमें आप पुरुष भी हो सकते हैं महिलाएं भी हो सकते हैं, इसमें इसके बनने के पात्र होंगे। ठीक है, याद रखिए 18 से 29 साल है। और इसके स्वयंसेवक जो होंगे इनके पंजीकरण के लिए आपको कक्षा 10वीं कम से कम पढ़ा होना चाहिए, न्यूनतम आय तक क्या चाहिए इसके लिए कक्षा 10वीं। तो इसमें क्या था, केवल दूसरा कथन सही था। क्या था, दूसरा कथन सही था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सभी शहरवासियों के लिए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पूर्व की इंदिरा गांधी इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन है जो वित्तीय वर्ष 2016-17 में से प्रभावी हुआ है। गलत है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। गलत है। लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना जो आपकी सेंसस जो आपके 2011 के इनके आधार पर किया जाता है, ये सही है। इसमें आखिर पूछा क्या है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप देखेंगे एक भी सही नहीं है, दो भी सही नहीं है, एक और दो दोनों सही नहीं है, तीसरा कथन इसमें केवल सही है। ठीक है, इसमें आकर सही क्या होगा उसे भी बता देता हूँ। बस 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवास तथा शहरी गरीबी मंत्रालय ने, किसने, आवास एवं शहरी गरीबी मंत्रालय ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्रारंभ किया था। कब, 2015 में। इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ही पूर्ववर्ती नाम है। या एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपने देखा है कि जब सरकारें बदलती हैं तो नामों में परिवर्तन करते रहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री जो योजना थी इसी को नाम बदल कर इसे आगे बढ़ा दिया गया है। ये आपकी 2016 2015 में लागू हुई थी। ठीक है, और इसमें अगर दूसरे की बात करें तो मिशन, ये जो मिशन है एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ठीक है, ना केंद्रीय क्षेत्र की, केंद्र प्रायोजित योजना है, ना कि केंद्र की योजना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से थे, गलत, आपका एक भी गलत था और दो भी गलत था, यानी कि बी ऑप्शन गलत होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक द्वि मंत्रालयी प्रयास है। गलत है। इसकी शुरुआत 2015 में घटते बाल लिंगानुपात तथा महिलाओं से संबंधित अन्य समस्याओं को हल करने यानी कि समाप्त करने के लिए इसकी स्थापना की गई। ये बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल आपका दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। पहला गलत क्यों है उसे भी देख लीजिए। ये जो योजना है आपकी, आप कह सकते हैं कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है, ये आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तहत इस प्रयास किया गया है, चलाई गई है। ठीक है, याद रखिए ये योजना आपकी हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी 2015 से लॉन्च की गई। कब, 22 जनवरी 2015 को, कहाँ से, पानीपत हरियाणा से। ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें आपका केवल दो कथन सही था, केवल दो कथन, दूसरा कथन सही था, एक कथन गलत था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग नाभिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नाभिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह जीपीएस का भारतीय संस्करण है। यह जीपीएस का भारतीय संस्करण है, बिल्कुल सही है। इसमें 15 उपग्रह का एक समूह शामिल है। गलत है। इसे इसरो इसरो जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके द्वारा फ्रांस के सहयोग से तैयार किया गया
ए भी आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल आपका एक कथन सही है इसमें। आखिर दो और तीन गलत क्यों है, उस पर भी बात करते हैं। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है, जिसका परिचालन नाम नेविक क्या है नाविक नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टलेशन है। और याद रखिए इसका क्या नाम है, नेविक। यह भारत के उपयोगकर्ताओं के साथ साथ क्षेत्र की सीमा से 1500 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र के लिए सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसका प्राथमिक सेवा है। और एक विस्तारित सेवा के क्षेत्र अक्षांश 30 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री उत्तरी और देशांतर की अगर बात करें हम लोग तो 30 डिग्री पूर्वी से 130 डिग्री पूर्वी तक आयताकार से जुड़े हुए प्राथमिक क्षेत्र के बीच स्थित है। इसकी एक और बात याद रखिए, जो अंतरिक्ष में IRNSS समूह के 7 उपग्रह शामिल हैं। कितने? 7 उपग्रह शामिल हैं इसमें। या 3 उपग्रह भूस्थितिक कक्षा में उपयोग कक्षीय स्थानों में स्थित हैं, जबकि जो शेष हैं 4 हैं इनमें 2 अलग अलग तलों में आवश्यक झुकाव भूमध्य रेखा के साथ भूतुल्यकालिक कक्षाओं में स्थित हैं। ठीक है, याद रखिए 15 इसमें शामिल हैं, सॉरी 7, 15 नहीं 7। तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जल संसाधन सूचना प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर याद रखिए कुछ आपके मन में इससे संबंधित सुझाव हो तो आप बताते रहिएगा। ठीक है, एक दोस्त की तरह हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं इसे। ठीक है, इसलिए आपको जो भी मन में सुझाव आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, जो भी आते हैं, अगर सुधार लायक हैं तो उन्हें बताते रहिए। जल संसाधन सूचना प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन जो नीचे दिए गए इन पर विचार करना है। इसे राष्ट्रीय सूचना केंद्र तथा केंद्रीय जल आयोग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया, ये बिल्कुल गलत है। यह उपयोगकर्ताओं को एकल वेबसाइट के माध्यम से जल संसाधन संबंधी डाटा को खोजने, एक्सेस करने, दृष्टिगोचर बनाने, समझने और विश्लेषण करने की अनुमति देती है। ये आपका सही है। और इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल आपका दूसरा कथन सही है, एक कथन आपका गलत है। एक कथन आखिर गलत क्यों है? तो भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली, जिसे भारत वारिस के नाम से WRIS के नाम से जाना जाता है, इस परियोजना जिसे आप 3 दिसंबर 2008 को केंद्रीय जलायु जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है इसने बेंगलोर के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इन सभी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से शुरू किया गया है और परियोजना को केंद्रीय जल आयोग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय जल आयोग जो है ये थे वित्त यानी कि पैसा इस पर देता है इसे। ठीक है, तो इसमें केवल आपका दूसरा कथन सही था, केवल 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है हमारा क्वेश्चन? बुनियादी ढांचा और परियोजना निगरानी प्रभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बुनियादी ढांचा परियोजना निगरानी प्रभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है जो नीचे दिए गए हैं? मंत्रालयों, विभागों, उनके केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों द्वारा क्रियान्वित की जा रही 150 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। बिल्कुल सही है। और यह देश के प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र के प्रदर्शन की निगरानी भी करता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या होगा, आपका दोनों कथन सही होंगे। क्या होंगे? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किरण योजना। किरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें सही आंसर में मतलब नीचे जो कथन दिए गए इन्हें चुनना है। इस योजना की प्राथमिकता लाभार्थी महिलाएं हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि इस योजना की जो प्राथमिक लाभार्थी हैं वो महिलाएं हैं। वह यह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक योजना है। किसकी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की योजना है। तो याद रखिए इसमें दोनों सही है आपके आंसर। क्या है? दोनों सही है। किरण जो योजना है, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट एंड
रिसर्च एडवांस थ्रू नर्चरिंग 2014 में महिला विज्ञानिकों के लिए लॉन्च किया गया था, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, दोनों कथन सही होंगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसमें एक बात और आप लोग हमेशा याद रखिए, देखिए टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी लगाइए, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस दे रहे हो या सिविल सर्विस दे रहे हो, सबसे जरूरी रहता है आपका यही टेस्ट सीरीज। जितने से जितने आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उतना ही आप लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन से देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जो नीचे दिए गए हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय, बिल्कुल सही बात है। CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है, ये आपका गलत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी फसलें शामिल नहीं की गई हैं, ये आपका गलत है। तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल आपका एक कथन सही है, कौन सा एक कथन सही है, और बाकी दो गलत क्यों हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। याद रखिए कृषि लागत और मूल्य आयोग 1985 में, क्या 1985 से CACP जिसे पहले हम लोग कृषि मूल्य आयोग के नाम से जानते थे, फिर उसके बाद क्या देखा, जनवरी 1965 में ये अस्तित्व में आया, कौन सा कृषि लागत और मूल्य आयोग कब आया, 1965 में, जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। कह सकते हैं आप लोग कि इसका गठन कब हुआ था, जनवरी 1965 में। CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, किसका किसका है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय। CACP की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों के लिए बुवाई के मौसम की शुरुआत में, यानी कि बोने से पहले ही, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है ये, इसके द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, ना कि आपकी CACP के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा की जाती है, जो कैबिनेट आर्थिक मामलों की कैबिनेट मंत्री है, इसके द्वारा की जाती है, लेकिन CACP की सिफारिशों पर, ठीक है, इसमें याद रखिए। और इस योजना में सभी खाद्य तिलहन फसलों और वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, सभी को शामिल किया गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें बागवानी फसल को शामिल किया गया है, तो इसमें केवल आपका एक कथन सही था, ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। अब बात करते हैं आगे हम लोग उपयुक्त कथनों में से एक सही है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है प्रसाद योजना के अंतर्गत पहचान किए गए 30 स्थल गंतव्यों के विकास और सौंदर्यीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, बिल्कुल सही बात है। स्वदेश दर्शन योजना देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए है, ये भी बिल्कुल सही है आपका। और अतुल भारत 2.0 अभियान का उद्देश्य देश में विदेशी पर्यटक आगमन में वृद्धि करना है, ये भी आपका सही है। तो याद रखिए इसमें आपकी एक दो और तीनों कथन सही है। एक बात और बताऊँ आपको, देखिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान पर्यटक का भी, पर्यटन का भी है। पर्यटन कई लोगों को रोजगार भी देता है। आप समझिए कि बाहर से जो लोग घूमने आ रहे हैं हमारे यहाँ, आप सोचिए कि जो एक तो गाइड रहेगा उससे नौकरी मिल जाएगी, आप सोचिए ये लोग जहाँ ठहरेंगे आवागमन होगा, वहाँ जो भी वाहन चलेंगे उन्हें भी उस तरह की वाहनों को भी सुविधा रहेगी, और उन्हें भी जो वहाँ लगे रहेंगे उन्हें भी रोजगार ही मिल रहा है। सोचिए आप लोग, जैसे कोई आगरा जाता है तो आप सोचिए आगरा में जो दुकानें हैं, जो होटलें हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, यहाँ रुकने खाने पीने की सब तरह से व्यवस्था रहेगी, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से हमारा योगदान करता है अर्थव्यवस्था में। अभी आप देखिए कि कोरोना महामारी के कारण पूरी तरह से पर्यटन बंद पड़ा हुआ है, कोई किसी देश में नहीं घूमने जा रहा है। तो हमारे यहाँ के देश में आपने सुना होगा कि बहुत बुरी तरह से ये होटलें हैं जो यहाँ काम करने वाले हैं, ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं इससे, ठीक है। तो बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो इसमें क्या था आपका,
याद रखिए जो 2. अतुल भारत 2.0 है, इसे आपका 2017-18 में लॉन्च किया गया था, अभियान लॉन्च किया गया था। इसमें आपके तीनों कथन सही थे, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की विशेषता नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। इस योजना के तहत जारी किया गया फंड गैर व्यवगत होता है, ये बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत संसद सदस्यों की भूमिका कार्यों की सिफारिश करने की तक ही सीमित है, ये भी आपके। इसके तहत फंड प्रत्यक्ष रूप से जिलाधिकारियों को अनुदान सहायता के रूप में जारी किया जाता है, ये भी आपका सही है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य देश में कहीं भी कार्य की सिफारिश कर सकते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? इसमें डी ऑप्शन। बाकी तीनों इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है ये विशेषता नहीं है इसकी। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना केंद्र सरकार द्वारा 1993 में प्रारंभ की गई थी। कब? 1993 में। यह योजना सदस्यों को उनके निर्वाचित क्षेत्रों में पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों जैसे राष्ट्रीय प्राथमिक वाले क्षेत्रों में स्थानीय रूप से महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर टिकाऊ जो सामुदायिक परिसंपत्तियों के बनाने यानी कि सृजन करने के लिए सिफारिश करने में समर्थ बनाती है। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसके तहत पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय योजना है। ये कौन सी? संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसे शॉर्ट में कहते हैं MPLAT S, ठीक है। और जिसके तहत सीधे जिला प्राधिकारियों को अनुदान सहायता के रूप में धन जारी किया जाता है। इस योजना के तहत जारी किए गए फंड अपव्यय हैं, यानी किसी विशेष वर्ष में जारी नहीं किए गए धन का अधिकार पात्रता के अधीन आने वाले वर्षों तक आगे बढ़ाया जाता है। वर्तमान में प्रति सांसद निर्वाचित क्षेत्र का वार्षिक अधिकार 5 करोड़ है। अभी कोरोना के टाइम इसमें रोक भी लगाई गई है। बात MPLAT S के तहत संसद सदस्यों की भूमिका कार्यों की सिफारिश करने तक ही सीमित है। उसके बाद नियत समय अवधि के भीतर संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों को मंजूरी भी है। निष्कासित करने और पूरा करने की जिम्मेदारी सभी प्राधिकरण की होती है। निर्वाचित जो लोकसभा सदस्य हैं अपने संबंधित निर्वाचित क्षेत्रों में कार्य की सिफारिश कर सकते हैं, और जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं राज्य में कहीं भी काम की सिफारिश कर सकते हैं, जहाँ से भी चुने जाते हैं, जिस राज्य से भी चुने जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्यान्वयन के लिए कार्य की सिफारिश कर सकते हैं, कहीं भी, ठीक है। तो इसमें आपका डी था। अब अगला है क्वेश्चन हमारा, इंडियन नेवी फोर कंबाइंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल के साथ निम्नलिखित किस देश का समझौता है? इंडोनेशिया का है, थाईलैंड का भी है, म्यांमार का भी है, बांग्लादेश का भी है, यानी कि इसमें चारों कथन आपके, चारों जो नीचे पॉइंट दिए गए ये सही है। भारत ने एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशंस आसियान के साथ द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों की श्रृंखला की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सैन्य सहयोग बढ़ाना है। हिंद महासागर क्षेत्र में नजर रखने के अलावा कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग, समझ और अंतर संचालनीयता को समृद्ध करना भी इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो इसमें क्या आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? मिशन रफ्तार समाचारों में था, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मालगाड़ी और यात्री रेल दोनों में रेलों की औसत चाल में वृद्धि करने हेतु भारतीय रेल का अभियान है। यह पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में पिति रक्षण मुहिम में सुधार लाने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय का एक अभियान है। यह यातायात नियमों तथा गति सीमा के प्रति जन संवेदीकरण में सुधार लाकर सड़क दुर्घटना को कम करने हेतु मुहिम है। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की समर्पित बहुराष्ट्रीय एक्सप्रेस परियोजना है। तो इसमें क्या होगा सही? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यह मालगाड़ी तथा यात्री रेल दोनों में
रेलों को औसत चाल में वृद्धि करने हेतु भारतीय रेल का एक अभियान है, मिशन रफ्तार। मिशन रफ्तार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला? बेलीज रीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसे आप लोग मेजो अमेरिकन रीप भी कहते हैं, ठीक। यह आकार में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीप के बाद दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही बात है। यह ग्वाटेमाला तक विस्तृत मेक्सिको के युकाटन पठार के सिरे पर स्थित है, ये भी सही है। यह संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थलों की सूची में हिस्सा है, सूची का हिस्सा है, यह आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एक कथन सही है, वो आपका दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा आखिर गलत क्यों है? तीसरा आपका गलत है। ये आपका संकटग्रस्त सूचियों में शामिल नहीं है। यह आकार में केवल ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ से छोटा है। कैरिबियन रीफ से ने प्रतिष्ठित विश्व धरोहर सूची में 1996 में प्रवेश किया था। किसने? जो कैरिबियन आपका रीफ है, और लेकिन इसे 2009 में संकटग्रस्त दर्जा दिया गया। ऐसा बिलीज के द्वारा रीफ के निकट तेल अन्वेषण की अनुमति देने की योजना के कारण हुआ था। तो इसमें आपका एक और दो कथन सही था। अगला क्वेश्चन है, समाचार में रहे ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुए के निम्नलिखित संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो समाचार में रहे ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुए, जिसे आप लोग नेल्सोनिया नाइग्रीकेन के नाम से भी जानते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुए को IUCN द्वारा वन में विलुप्त घोषित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इन्हें हाल ही में महाराष्ट्र की ताजे पानी की झीलों में देखा गया, ये आपका बिल्कुल गलत है। सॉफ्ट सेल कछुए के परीक्षण और पहचान के लिए एनवायरमेंटल DNA तकनीक का उपयोग किया जाता है, ये भी आपका सही है। तो इसमें पूछा क्या था? सही है। तो एक और तीन कथन आपका सही है, और दूसरा कथन आपका बिल्कुल गलत है। दूसरा आपका गलत क्यों है आखिर? ये आपको उत्तर पूर्वी भारत के मंदिरों के तालाब के पवित्र जल में पाया गया अभी हाल में ही, ठीक है। तो इसमें आपका केवल एक और तीन कथन सही था, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्ट बैंक ने भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए $100 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। यह यूरोपीय देशों का एक संघीय बैंक है जिसका उद्देश्य हरित विकास है, गलत है। भारतीय स्टेट बैंक सॉफ्ट बैंक के विजन फंड का एकल सबसे बड़ा निवेश करता है, यह भी आपका गलत है। इसने भारतीय सौर ऊर्जा परियोजना हेतु भारत की भारतीय इंटरप्राइजेज तथा ताइवान के फॉक्सकॉन के साथ भागीदारी की है, ये आपका बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, सॉरी। आप लोगों से बताया था ना कि इस पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिएगा। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर आपसे पूछता सही है तो केवल आपका तीन कथन सही था, लेकिन पूछ रहा है सही नहीं है, तो एक और दो कथन आपका सही नहीं है। सही क्यों नहीं है उस पर भी बात कर लेता है। जापान के सॉफ्ट बैंक ग्रुप कोर्प ने भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 60 से 100 बिलियन डॉलर सतत निवेश करने का निर्णय लिया है, तो ये कहाँ का है? जापान का। सऊदी अरब सॉफ्ट बैंक के विजन फंड का सबसे बड़ा निवेश करता है, ना कि SBI, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? केवल आपका दूसरा एक और दो कथन सही होंगे, बी ऑप्शन, सॉरी गलत थे एक और दो, केवल तीन सही था। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? बी, क्योंकि गलत पूछा है। कौन सा गलत है? अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? आरीवाड़ा
विश्व में कछुए की कुछ विशिष्ट प्रजातियां द्वारा विशेष प्रकार के घोंसले बनाने की परिघटना है। निम्नलिखित में से कौन सा कछुआ कछुए इस परिघटना को प्रदर्शित करते हैं? ओलिव रेडले सही बात है, कैंप रेडले ये भी सही बात है, लेदर बैक ये आपका गलत है। क्या है इसमें एक और दो सही है। अरीबाड़ा एक स्पेनिश शब्द है। सबसे पहले याद रखिए कि अरीबाड़ा एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है आगमन। यह अत्यधिक संख्या में घोंसले बनाने का व्यवहार है। केवल आपके ओलिव रेडली और कैंप रेडली समुद्री कछुए की दो प्रजातियां हैं जो इस घोंसले बनाने की विशिष्ट परिघटना को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एक और दो कथन यानी कि 2 पॉइंट सही है, 1-2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय क्रेच योजना के लिए नोडल मंत्रालय है? नोडल मंत्रालय है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय क्रेच योजना के लिए नोडल मंत्रालय है? तो ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। एक केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड एवं भारतीय बाल कल्याण परिषद के माध्यम से राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना का क्रियान्वित कर रहा है, और इसके अतिरिक्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, गृह कल्याण केंद्र के अंतर्गत और डाक विभाग अपनी योजना के माध्यम से क्रेच चला रहा है। इसके उद्देश्य की बात करें तो समुदाय की काम करने वाली महिलाओं के बच्चों यानी कि 6 माह से 6 वर्ष के बीच के बच्चों को दिन की देखभाल सुविधा प्रदान करना, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर पर सुधार करना, बच्चों के भौतिक संज्ञानात्मक और सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना, परिजनों देखभाल करने वालों को बेहतर बाल देखभाल हेतु शिक्षित और सशक्त बनाना इसका मेन उद्देश्य है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अगर कुछ सुधार की बात हो, अगर कुछ आपके मन में विचार हो तो आप लोग बता बताइए, अगर सुधार हो सकता है हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगले हम लोग टेस्ट में मिलते हैं, तीसरे में।